तो भाई बस को अभी पार्किंग में डाल रहे हैं यहाँ पे 5-10 मिनट का जो होल्ड है सॉरी पिकअप है वो करके हम लोग वापस निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी भाई साहब बस बहुत ही प्यारी बस है 9600 है BS6। बस आप क्या ही बोलूँ बस के बारे में, बहुत ही शानदार बस है। तो फाइनली फ्रेंड्स 2 घंटे और 30 मिनट की बस जर्नी के बाद में हम लोग रुके हैं डिनर वगैरह के लिए। टाइम हुआ कुछ 10:50 और बात करें होटल का, होटल है कुछ पंचरतन प्योर वेज पंचरतन प्योर वेज होटल का नाम है। और बाकी इधर है अपनी वोल्वो प्यारी सी 9600। बाकी लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ का जो लोकेशन है वो राजगुरु घाट सेक्शन क्रॉस करके क्रॉस करने के बाद में ये लोकेशन आता है। बाकी यहाँ का डिनर वगैरह टेस्ट करेंगे कैसा क्या डिनर वगैरह रहता है। बाकी फिलहाल पहले डिनर वगैरह कर लेते हैं, बाकी बात हम करेंगे डिनर वगैरह करने के बाद में। तो होटल का नाम है पंचरतन प्योर वेज। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग रुके मॉर्निंग में टी वगैरह टॉयलेट वॉशरूम के लिए। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है कुछ जुलवानिया करके एरिया है, उसके बाजू में रुके। और इधर अपनी करिए इंटरसिटी की वोल्वो, उसके पीछे करिए इंटरसिटी की B11R उधर साइड में। और इधर करिए हंस ट्रेवल्स 9600। मुझे कुछ होटल है राजहंस करके, यहाँ पे हम लोग ने स्टे किया है चाय नाश्ते के लिए। तो बाकी टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 6:07। सामने प्यारी सी हंस ट्रेवल की वोल्वो 9600 थी जो हमें पुणे में मिली थी। और जो B11R गई वो भी हम लोग को देखने को मिली थी पुणे में, हमसे आधा पौन घंटे पहले निकली थी वो गाड़ी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन बस जर्नी एपिसोड में। तो फ्रेंड्स आज जो मैं ट्रेवल करने वाला हूँ वो हूँ पुणे से इंदौर के लिए। और जो मेरी बस रहने वाली है वो है इंटरसिटी ट्रेवल्स की 9600 जो चलती है पुणे से इंदौर और इंदौर से पुणे। तो आज जो मेरा ट्रिप रहने वाला वो है पुणे से इंदौर का इंटरसिटी ट्रेवल्स में। बाकी फ़िलहाल जो मैं आया हूँ वो हूँ संगमवाड़ी पार्किंग, यहाँ पे मेरा पिकअप पॉइंट है बस का। तो फिलहाल संगमवाड़ी पार्किंग में खड़ा हूँ, यहाँ पे पुणे वो इंटरसिटी ट्रेवल्स का ट्रेवल ऑफिस भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ रखी है सामने बहुत ही प्यारी सी हंस ट्रेवल्स की वोल्वो 9600 सामने खड़ी है। और उसके बाजू में खड़ी है इंटरसिटी ट्रेवल्स, तो उसके जस्ट पीछे की तरफ है इंटरसिटी ट्रेवल्स का ट्रेवल ऑफिस। तो यहाँ से जो हमारा आज का पिकअप पॉइंट रहने वाला है इंटरसिटी ट्रेवल्स का। तो फ्रेंड्स अगर आप भी पुणे से इंदौर का बस का सोच रहे हो तो ये वाला व्लॉग पूरा देखिए, इसमें आपको सारी फैसिलिटी डिटेल्स में जानकारी देखने को मिलेगी। इस व्लॉग में रूट का, कम्फर्ट का, प्राइस का और फैसिलिटी का सारा डिटेल्स में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 5 स्टार जर्नी। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि ऐसी मज़ेदार बस जर्नी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी सामने हंस ट्रेवल्स खड़ी है। और फ्रेंड्स बात करें पुणे के वेदर की तो भाई साहब पुणे का जो वेदर है बहुत ही शानदार वेदर है। यहाँ पे बारिश तो हर टाइम चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अपने तो उधर नॉर्मल होती है राजस्थान साइड में, लेकिन यहाँ पे बारिश जो है वह बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। तो फिलहाल पुणे का वेदर भी आप देख सकते हो कैसा वेदर है पुणे का। कर लेते हैं गाड़ी आने का वेट, उसके बाद में करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू। बाकी हम लोग कर लेते हैं गाड़ी आने का वेट। तो फ्रेंड्स इधर इंटरसिटी ट्रेवल्स के ऑफिस के बाहर में एक इंटरसिटी ट्रेवल्स की भारत बेंच की गाड़ी आ रखी है स्लीपर। और उधर बाजू में है हंस ट्रेवल और इधर ये इंटरसिटी ट्रेवल्स का ऑफिस है। ये ऑफिस है, ये अंदर की कुछ सिटिंग एरिया है यहाँ पर नॉर्मली। और इसके जस्ट सामने गाड़ी आती है इंटरसिटी ट्रेवल्स की। सामने भाई साहब एक वॉल्वो तो आई है इंटरसिटी की 11R है। अब क्या पता अपना टिकट इसमें है या फिर 9600 में है। बाकी ये 11R तो आई है सामने। तो चेक करने से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अभी जो आई है इंटरसिटी की B11R है, ये भी इंदौर के लिए जाती है और ये आई है 7:30 बजे। जो हमारी गाड़ी आने वाली है वो आएगी 8:15 बजे, यानी 8:15 पे यहीं पे आएगी संगमवाड़ी पार्किंग नंबर 3। तो अभी ये गाड़ी आई है, अभी ये यहाँ से निकलेगी फिर हमारी गाड़ी आएगी। तो गाड़ी का वेट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स जो बस है वो आ चुकी है हमारी इंटरसिटी ट्रेवल्स की वॉल्वो 9600। बाकी बात करें टाइम की, टाइम हुआ कुछ 7:54 और यहाँ से निकलने का टाइम है वो है बस 8:15 का। बाकी ये प्यारी सी वॉल्वो आ चुकी है हमारी। तो भाई बस को अभी पार्किंग में डाल रहे हैं। यहाँ पे 5-10 मिनट का जो होल्ड है सवारी पिकअप है वो करके हम लोग वापस निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी भाई साहब बस बहुत ही प्यारी बस है, 9600 है, BS 6। बस आप क्या ही बोलूँ बस के बारे में, बहुत ही शानदार बस है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डैशबोर्ड है हमारी बस का वोल्वो 9600। यहाँ महादेव जी विराजमान है, इनकी पूजा वगैरह करके निकलेंगे अपन। इसमें कुछ अंदर की फैसिलिटीज़ वगैरह दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो इस बस में आपको 2x1 का स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ये 2 का स्लीपर है। जो फैसिलिटी है वो 2 ब्लैंकेट, बेडशीट, 2 पिलोज, USB पोर्ट, बैकरेस्ट, मोबाइल होल्डर, प्लस या वैसे AC का इवेंट्स, रीडिंग लाइट्स, कर्टन्स वगैरह। सामने अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा और प्राइवेसी के लिए इधर भी कर्टन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ और इधर देखने को मिल जाएगा वाटर बॉटल होल्डर। ये 2 का स्लीपर है। जो मेरा स्लीपर है वो रहने वाला सबसे पीछे का। ये स्लीपर है डाउन का। तो मेरे को भी सेम वही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो बस में ऑलरेडी होती है सारी। तो फ्रेंड्स बस की फैसिलिटी कैसी लगी ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ बस की फैसिलिटी और सीट नंबर वगैरह सारे ऊपर मेंशन कर रखे हैं और इंटरसिटी ट्रेवल्स का नाम भी लिख रखा है। पीछे की तरफ आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा और इधर ये फायर विकेट वाला ये देखने को मिल जाएगा और आगे की तरफ भी आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा, CCTV कैमरा। तो ये कुछ बस की फैसिलिटीज़ है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं निकल चुका हूँ हमारे जो पिकअप पॉइंट था संगमवाड़ी से। बाकी गाड़ी टाइम की बात कर, टाइम हुआ कुछ 8:25 के लिए। तो बाकी बात करें लेट होने का तो पैसेंजर वगैरह के चक्कर में गाड़ी लेट हो गई थी। बाकी 2 पैसेंजर थे, उनको जल्दी आना चाहिए था लेकिन गाड़ी लेट हो गई थी उनके चक्कर में। बाकी हम लोग निकल चुके हैं हमारे पिकअप पॉइंट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बारिश है वो अभी चल रही है, झिरमिर झिरमिर बारिश हो रही है यहाँ पे। पुणे में बारिश तो कंटिन्यू स्टार्ट ही रहती है, 2-5 मिनट रुकेगी, 2-5 मिनट में वापस बारिश हो जाएगी। अभी देख लो आप, बारिश हुई है जस्ट और वापस रुक गई है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँचे हैं वाकड़ पिकअप पॉइंट में, यहाँ पे सवारी पिकअप हो रहा है। बाकी अभी देख लो, अभी बारिश स्टार्ट है, नॉर्मली बारिश आ रही है, हेडलाइट में आपको पता पड़ रहा होगा। और बाकी टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 9:04। और ये वाकड़ है पिकअप पॉइंट, सामने आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएगा, इसके अपोजिट साइड में गाड़ी लगती है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं नासिक फाटा पिकअप पॉइंट पे। और टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 9:30। और ये लास्ट है ना भैया पिकअप पॉइंट, ये लास्ट पिकअप पॉइंट है अपना पुणे में नासिक फाटा। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बसें आती है इंदौर पुणे में चलने वाली सारी बसें। ये लास्ट पिकअप पॉइंट है पुणे का। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं पुणे से हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि इंदौर की तरफ। बाकी जो पिकअप पॉइंट है वो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, सारे पुणे के पिकअप पॉइंट। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं आउटर एरिया में पुणे के, नासिक फाटा पे पिकअप करके हम लोग निकल चुके हैं इंदौर की तरफ। बाकी जो स्टाफ से है वो हम लोग थोड़ा सिटी ये एरिया कवर करके उसके बाद में आपको जानकारी वगैरह सारी बताएंगे। स्टाफ से हम लोग लेंगे जानकारी। और इधर हमारे विराजमान है महादेव जी, तो एक बार हमारे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव। भी बैठी थी अरे यार। आगे ऐसे में कम से कम यार उधर निकलने को होता है बारिश। तो फाइनली फ्रेंड्स 2 घंटे और 30 मिनट की बस जर्नी के बाद में हम लोग रुके हैं डिनर वगैरह के लिए। टाइम हुआ कुछ 10:50। और बात करें होटल का, तो होटल है कुछ पंचरत्न प्योर वेज होटल का नाम है। और बाकी इधर है अपनी वोल्वो प्यारी सी 9600। बाकी लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ का जो लोकेशन है वो राजगुरु घाट सेक्शन क्रॉस करके है, क्रॉस करने के बाद में ये लोकेशन आता है। बाकी यहाँ का डिनर वगैरह टेस्ट करेंगे कैसा क्या डिनर वगैरह रहता है। बाकी फ़िलहाल पहले डिनर वगैरह कर लेते हैं, बाकी बात हम करेंगे डिनर वगैरह करने के बाद में। तो होटल का नाम है पंचरत्न प्योर वेज। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग डिनर वगैरह करके वापस निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि इंदौर की तरफ। बाकी जो स्टाफ वगैरह है उनसे अपन गाड़ी के बारे में, रूट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो बस में स्टाफ है वो 3 का स्टाफ मौजूद है अभी। 2 ड्राइवर दादा हैं और 1 कंडक्टर दादा है। तो अभी ड्राइवर दादा ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइवर दादा क्या नाम है सर आपका? शुभम। शुभम जी, कितने साल का एक्सपीरियंस है सर आपको? 6 साल का एक्सपीरियंस है सर। इंटरसिटी ट्रेवल्स में कितने साल से काम कर रहे हो आप? 6 साल। अच्छा, 6 साल से इंटरसिटी ट्रेवल्स में काम कर रही है। तो भैया ये पुणे से जो इंदौर का डिस्टेंस है वो कितना होता है, कितने किलोमीटर है? 600 किलोमीटर के लगभग। और कितना टाइम लग जाता है 600 किलोमीटर को कर? 12 घंटे। 12 घंटे लग जाते हैं 600 किलोमीटर को कवर करने में। बाकी इसका माइलेज वगैरह कितना है गाड़ी का एवरेज? 3। अच्छा, 3 के समथिंग गाड़ी का जो माइलेज वगैरह आता है। और डीजल कितना ले लेती है गाड़ी वन ट्रिप में? 440 के लगभग कुछ डीजल वगैरह आता है गाड़ी का। और इसकी स्पीड वगैरह कितने पे लॉक है? 95 पे लॉक है सर। अच्छा, 95 पे गाड़ी की जो स्पीड है वो लॉक है। तो आप कितने बजे तक ड्राइव करोगे? 4 बजे। अच्छा, मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे तक भैया ड्राइव करेंगे। और ये है कंडक्टर दादा, तो क्या नाम है सर आपका? राजू देवासी। अच्छा, राजू जी देवासी है। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है कंडक्टरी में? 6-7 साल। 6-7 साल। और इधर इंटरसिटी में कितना टाइम हो गया आप? 2 साल। 2 साल हो गए। अच्छा, तो ये 2 साल का इंटरसिटी में एक्सपीरियंस ले चुके हैं। और इधर है हमारे दूसरे ड्राइवर दादा, वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। अनिल जी नाम है, नाम बता देता हूँ मैं। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं वोल्वो के साथ अपनी हाई स्पीड में नेशनल हाईवे पे। और ड्राइवर दादा एक बार रूट वगैरह डिटेल्स में बता दीजिए पुणे से इंदौर का क्या रूट? बागेश्वर पार्किंग से निकलती है, इधर वाया नासिक दुलिया होके शिवपुर होके इंदौर जाती है। अच्छा, वाया नासिक दुलिया शिवपुर होते हुए इंदौर जाती है। ये रूट है कुछ हमारी गाड़ी का आज का। गया था कि वो भी नहीं बख्शे हैं। मानना बाइक खुल गया नहीं, वही भी नहीं होता, गाड़ी टच हो गई साइड ग्लास में, अपनी वॉल्वो होके टच हो जाती है यार, अपन नहीं बोलते किसी को कुछ, ठीक है यार। ले ले तो ट्रक की क्या बात है यार, ऐसे बोला करो यार मुझे, तो ये अभी तक चले भी नहीं यार, अभी चला है। ट्रक वाला है राजेश, हेलो ये भी यार गाड़ी उठा के नंबर देता हूँ। बहुत पहले सुपर रास्ता था ये बहुत पहले क्या बात है, अभी की बात है, अरे अभी 5-7 साल पहले की बात है। हम तो जब हंस में चला था इस रोड पे 2008 या 10 की बात होगी, जब पूरा सिंगल था। ठीक है, कह रहा हूँ तो आपकी बात सही है, ये सिंगल कब तक के था तुमको पता नहीं, रोड ही पूरा बंद कर दिया था खेत वालों ने। सब्जी वाले चलने नहीं देते थे ये, ये छोटी गाड़ी की सब्जी वाले ना, ये बहुत चलने नहीं देते थे लोग। सूरज चक्की ने एक बार गाड़ी मारी लिया, धुआं निकालने आ गया। हमारे मोबाइल में 88 बता रही है, बस तो अपनी बढ़िया 95, 94, 100 पे चल रही है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग रुके हैं मॉर्निंग में टी वगैरह टॉयलेट वॉशरूम के लिए। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है कुछ जुलवानिया करके एरिया है, उसके बाजू में रुके हैं। और इधर अपनी खड़ी है इंटरसिटी की वोल्वो, उसके पीछे खड़ी है इंटरसिटी की B11R उधर साइड में, और इधर खड़ी है हंस ट्रेवल की 9600। मुझे कुछ होटल है राजहंस करके, यहाँ पर हम लोग ने स्टे किया है। चाय नाश्ते के लिए। और बाकी टाइम की बात करें तो टाइम हुआ कुछ 6:07। सामने प्यारी सी हंस ट्रेवल की वोल्वो 9600 थी जो हमें पुणे में मिली थी, और जो अभी B11R गई है वो भी हम लोग को देखने को मिली थी पुणे में। हमसे आधा पौन घंटे पहले निकली थी वो गाड़ी। तो फ्रेंड्स, हम लोग चाय नाश्ता करके वापस निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि इंदौर की तरफ। बाकी इधर भी बारिश स्टार्ट हो गई वापस। जो फ्रेंड्स डिस्टेंस है इंदौर का वो है 130 किलोमीटर के लगभग और बचा हुआ है, इसको हम लोग कवर करेंगे लगभग 2 से 2.5 घंटे में। बाकी क्या ही शानदार नज़ारे हैं। सामने खड़ी है राज रतन की 9600 जो हम लोग को मिली है धानमोद पे। सामने होटल पे स्टे कर रखा है उसने चाय नाश्ते के लिए, और यहाँ पे पैसेंजर वगैरह को ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं मानपुर गणपति घाट पे और बात कर टाइम की तो टाइम हुआ कुछ 7:30 बजे। मानपुर गणपति घाट है ये, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है यहाँ पे। बारिश के समय तो इनकी सुंदरता और ही बढ़ जाती है। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग ने एंट्री ले ली है पुणे सिटी में। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग ने एंट्री ले ली है इंदौर सिटी में। और बात करें टाइम की तो टाइम हुआ कुछ 8:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर। पेट्रोल पंप पे रुकी है गाड़ी डीजल वगैरह डलवाने के लिए। तो फ्रेंड्स गाड़ी रुकी है इंदौर में डीजल वगैरह डलवाने के लिए भारत पेट्रोलियम पंप पे। और बात करें टाइम की तो टाइम हुआ कुछ 8:30। यहाँ पे गाड़ी रुकी है डीजल वगैरह डलवाने के लिए इंदौर में। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं मेरे बोर्डिंग ड्रॉपिंग पॉइंट पे रेडिसन, जो कि बस का लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट है। बाकी सामने बस खड़ी है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। बाकी आप इसमें आप ट्रेवल कर सकते हो क्योंकि ये बस जो वोल्वो है तो वोल्वो में कम्फर्ट तो होता ही है। भाई साहब बस भी बहुत प्यारी बस है। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट बस जर्नी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 5 स्टार जर्नी। बाकी ये सामने रेडिएशन है, रेडिएशन ब्लू, ये लास्ट स्टॉप है बस का।